से सुविधा उपलब्ध कराई गई और जिसके बाद यहाँ पर पूरे बरेली में लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। लोग बार आवाजाही पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। डीएम के आदेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। आप देख सकते हैं पीछे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, पूरी तरीके से सन्नाटा है और लोग बार अपने यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरीके से गश्त कर रही है और आने जाने वाले लोगों पर रोक लगा रखी है और पूछताछ करके ही आगे जाने दी जा रही है। आपको बता दें बरेली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद कल की बात करें तो कल 666 केस निकले, जिसके बाद 11 जिलों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू था, उसमें बरेली भी शामिल था, लेकिन अब वीकेंड की भी सुविधा बरेली में उपलब्ध करा दी गई है। देखना यह होगा कि इस लॉकडाउन से कितना असर देखने को मिलेगा, कहाँ तक कोरोना की चैन टूटती हुई नजर आएगी। अहम बात यही रहेगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से लोग आवाजाही पर रोक लगी हुई है। सर क्या नाम है आपका? ASI ब्रज किशोर सिंह जी। लॉकडाउन है, वीकेंड है जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वीकेंड पूरा तरीके से कामयाब हुआ? नहीं, पूरी तरह से कामयाब है। ये जो परीक्षा है, आज जो परीक्षा रखी गई है, इसमें काफ़ी लोग स्कूलों की जानकारी नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो लोग जानकारी करके जा रहे हैं। अब बाकी पूरी तरह से लॉकडाउन सफल है। लोग बार आ जा रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से उनको पूछताछ कर रहे हैं और क्या चालान की सुविधा है? देखिए, पूछताछ भी कर रहे हैं और चालान भी करेंगे। यदि हमें ऐसा महसूस होता है कि बेमतलब लोग घूम रहे हैं या घूमने के लिए ऐसे निकले हैं, तो उनके चालान भी किए जा रहे हैं और बाकी जानकारी करके, अगर कोई परेशान है, अस्पताल जा रहा है या ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो उसे जाने दिया जा रहा है। मास्क ना लगाने पर कितने रुपए का चालान? देखिए, 1,000 से 10,000 तक चालान है। अब 1,000 का पहली बार में, दूसरी बार में 10,000 तक का है। तो साफ तौर से आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर मौजूद थे और उनका कहना है साफ साफ कि 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक चालान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और लॉकडाउन पूरी तरीके से बरेली में सफल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज़। समय हम बहराइच के घंटाघर पर, जहाँ